there ain't no stopping us. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, जैसी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आपको देखने मिलेगी, आपको सी होगी। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि साल डेढ़ साल पहले यहाँ पे मित्तल ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, दीन बचाओ दस्तूर बचाओ। शायद आप लोग सब लोग होंगे वहाँ पे, मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट था। वहाँ पे भी ये डेढ़ साल दो साल पहले, आज जो हम लोग एनआरसी के ऊपर जो बात कर रहे हैं, डेढ़ साल दो साल पहले हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उन्होंने हमको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये लोग किस तरीके से आगे फाड़ करके बैठे हुए हैं। साथियों, ये जो खेल चल रहा है आप लोगों के सामने, वो आज से खेल नहीं चल रहा है, ये 1872 में नंद कुमार देव नाम के आदमी को इंडियन पिनल कोड IPC लागू होने के बाद में फर्स्ट टाइम भारत में किसी ब्राह्मण को फांसी पे लटकाया गया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा क्या नहीं मालूम होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये इतिहास, कि भारत के इतिहास में जो कानून था, जो कायदा था, वो कानून और कायदा मनुस्मृति था। उस मनुस्मृति कानून के तहत ब्राह्मण कितना भी कुछ भी अपराध कर ले, गुनाह कर ले, उसको कभी फांसी नहीं होती थी। लेकिन इंडियन पिनल कोड जब से लागू हुआ, नंद कुमार देव नाम के आदमी को 1872 में फर्स्ट टाइम फांसी पे लटकाया गया। भारत के ब्राह्मणों ने ये सोचा, उस समय सोचा कि आज तक हमारे ऊपर किसी भी, चाहे वो आक्रमणकारी विदेशी कोई भी ताकतें आए हों, लेकिन उनके साथ इन ब्राह्मणों ने मिल करके समझौता करके हाथ से हाथ धर करके उनके साथ शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी की। लेकिन भारत के इतिहास में जब फर्स्ट टाइम किसी ब्राह्मण को सूली पे लटकाया गया, तो इन्होंने उसी समय प्लान बनाया कि अब हमारी जो आजादी है वो खतरे में है। साथियों, ये सबसे चल के आ रहा है। उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में होने के वजह से भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज नाम का कानून पास हुआ। एडल्ट फ्रेंचाइज कानून आने के पहले राजा जो है रानी के पेट से पैदा होता था, मतलब एक रानी जो है वो जो बच्चे को पैदा करती थी वही वो राजकुमार होता था और वही राजा बनता था। लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज कानून आने के वजह से, ब्रिटिश भारत होने के वजह से, जो ब्रिटिश में कानून पास हुआ वो भारत में भी कानून पास होगा, ये बात इन ब्राह्मणों को, इन आर्यो विदेशियों को मालूम था। इसके लिए उन्होंने इसको कैसे काउंटर किया करना चाहिए। साथियों, ये जो NRC है, ये आप लोगों को मेन जो इशू है वो मेन इशू से हटका करके अलग इशू पे आपको लाने के लिए किया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इस तरीके से उस समय जब इन्होंने देखा कि एडल्ट फ्रेंचाइज जब आएगा तो यहाँ भारत में जिन लोगों को हमने आज तक क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे चार वर्णों में बांट करके, जो शूद्र वर्ण है 85% जो एक शूद्र कम्युनिटी के लोग है भारत में, वो लोग इन्हों को हमने गुलाम बनाया था। अभी एडल्ट फ्रेंचाइज आने के वजह से हमको इनके दरवाजे पे जाके इनका वोट मांगना पड़ेगा। वोट मांगना पड़ेगा तो इनको हमको क्या बोलना पड़ेगा, तो इनको बोलना पड़ेगा बाबा हमने हम तुमको हजारों सालों से गुलाम बना के रखा है, हमको वोट दो, बहुत मजा आएगा। तो ये लोग तो आपको वोट नहीं देंगे, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू नाम का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदू नाम का कॉन्सेप्ट जो है, आपको बताऊं मैं कि दयानंद सरस्वती नाम का आदमी ये महाराष्ट्र में आते हैं और आर्य धर्म की स्थापना करके बताते हैं कि हम हिंदू नहीं है। यही लोग अभी बाद में आपने आपको क्या कहते हैं, RSS को 1922 में बनाते हैं। कांग्रेस से कुछ लोग जो है, सीनियर जो ब्राह्मण है, वो निकलते हैं और RSS बनाते हैं। और RSS के माध्यम से जो लोग हिंदू शब्द को गुलाम मानते थे, क्योंकि हिंदू शब्द है किसी भी हिंदू धर्म में हिंदू शब्द नाम का कोई भी शब्द ही नहीं मिलता है, लेकिन इनको भी मालूम है। लेकिन उन्होंने क्या किया, RSS के माध्यम से जो अपने को हिंदू नहीं मानते थे, वो लोगों ने गर्व से कहो हम हिंदू है। साथियों, आप मुसलमान लोग हैं, आप अपने आप को ऐसा नारा लगाते क्या, गर्व से कहो मुसलमान है, नहीं लगाते, लेकिन गर्व से कहो मैं हिंदू है, ऐसा RSS क्यों नारा लगाता है, क्योंकि उसके पहले ये शब्द ही किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज होने की वजह से इनको वोट मांगना पड़ेगा। इसके लिए RSS मतलब देश की आजादी के पहले इन्होंने क्या किया,
1952 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, लेकिन 1922 में इन्होंने आरएसएस बनाया। आरएसएस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी आजादी के आंदोलन में आरएसएस के लोग क्या सूली में लटके, क्या फांसी में लटके। तो आपको इतिहास मालूम पड़ेगा कि जो आजादी का लड़ाई भारत में लड़ाई लड़ी गई, वो आजादी की लड़ाई में शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग और मुसलमान लोगों ने साथ और सहयोग दिया है। वो किसी भी ब्राह्मणों के आंदोलन के वजह से ये देश आजाद नहीं हुआ है। ब्राह्मण आज भी आपसे और हमसे सामने सामने कभी भी भिड़ता नहीं है, हमको भिड़ाने का काम करता है, हमको लड़ाने का काम करता है, वो कभी भी सामने नहीं आता है। साथियों, ये जानकारी हमको मालूम होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने समय क्या किया, प्लान बनाया आरएसएस ने कि इस देश में जो है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत में आजादी के पहले 32% जो है आप लोग शासन और प्रशासन में रिप्रेजेंटेटिव थे। मुसलमान कम्युनिटी जो है वो ब्रिटिश भारत में 32% रिप्रेजेंटेशन था उनका, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग थी, थर्ड जो है वो शेड्यूल ट्राइब कास्ट फेडरेशन थी। कांग्रेस एक ब्राह्मणों की पार्टी उस समय थी, उसके बाद दो पार्टियां थी, दो कम्युनिटी थी, एक मुस्लिम लीग थी और एक शेड्यूल ट्राइब कास्ट फेडरेशन था। इनको ये मालूम था कि जिस दिन भी ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे, हमको लोगों के सामने वोट मांगना पड़ेगा, वोट मांगेंगे तो हम क्या लोगों को कहेंगे। तो इसके लिए इन्होंने आरएसएस बनाया, आरएसएस के माध्यम से हिंदू है गर्व से पाओ हिंदू है का नारा दिया, और उन लोगों ने बाद में पार्टी बनाई, बीजेपी बनाई, और बीजेपी बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया, तो उनको ये मालूम था कि आजाद भारत में लोकतंत्र आएगा, डेमोक्रेसी आएगा। साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि डेमोक्रेसी जो होती है, जिस भी देश में होती है ना, तो जो शासक होता है ना, उससे ज्यादा पावर जो है अपोजिशन को होता है। आपको शायद मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताता हूँ कि जो शासन करने वाले लोग है उनसे ज्यादा पावर डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन होता है उसको होता है। क्या आपका अपोजिशन किधर है, आपका अपोजिशन किधर है? सतत खत्म कर दिया इन्होंने अपोजिशन, खत्म कर दिया अपोजिशन आपका। क्यों खत्म किया? क्योंकि आने वाले समय में ये आपके साथ इस तरीके का खेल खेलेंगे। ये उनको मालूम था कि अपोजिशन अगर इनका होगा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अगर रूल में आती है, अगर मुस्लिम लीग आती है, तो हम लोग तो नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए मुस्लिम लीग का पत्ता साफ करने के लिए भारत का बंटवारा इन लोगों ने करवाया। में ये सब मुद्दे पास हुए, ये सब होने के बाद में उन्होंने उसको बहुत तरीके से प्लान बना के डॉक्टर अंबेडकर को पुनः पैक्ट का करारनामा करा के वो सारे अधिकार डॉक्टर अंबेडकर से पीछे करवाए, और मुस्लिम लोगों का पत्ता साफ करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को बांट दिया। और जो डॉक्टर अंबेडकर जो इतना पावरफुल जो लीडर थे, उनको इन्होंने इस तरीके से हराने और इस तरीके से इनके हमारे विरोध में ना आए, तो यहाँ महाराष्ट्र में जब वो इलेक्शन में खड़े हुए कॉन्टेस्ट किया इन्होंने, तो उस समय की जो कांग्रेस है उसने 25,000 रुपया नाम दे करके जो काजरोलकर नाम का उनके ही समाज का आदमी को खड़ा करके और उनको हरवाया गया कि ये आदमी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में घोषणा नहीं चाहिए। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उस डॉक्टर अंबेडकर को अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने का सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो आप सभी लोगों को जाता है, आप सभी लोगों को जाता है। क्योंकि उस समय जो बंगाल था, वो बंगाल में मुस्लिम लीग और नमो सुधराय नाम का एक आंदोलन चलता था, वो दोनों ने मिलकर के डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको जो है पार्लियामेंट में जीत करके भेजेंगे, आप हमारी रक्षा के लिए कानून बनाइए। तो जो जस्तोर, फरीदपुर और ऐसे चार डिस्ट्रिक्ट जो है, वो चार डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को चुन के पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा, और बाद में वो चारों डिस्ट्रिक्ट को क्या किया इन्होंने, तो बांग्लादेश जो है बना दिया। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है। अरे पाकिस्तान को अगर देना ही है तो पाकिस्तान के बाजू में जो पंजाब लगता है या गुजरात लगता है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना चाहिए। आपने बंगाल क्यों दिया, बांग्लादेश क्यों दिया? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को फिर से ये लोग युद्ध करके भेजेंगे, ये दंड के स्वरूप वो बांग्लादेश के लोगों को उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, और आज तक वो बांग्लादेशी जो है वो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2004 में जो एक्ट पास हुआ ना, वो बांग्लादेशी लोगों को छोड़ के उन्होंने कानून बनाया कि भारत का बाहर जो एनआरआई लोग हैं, एनआरआई लोगों के लिए उन्होंने
सेकेंड सिटीजन मतलब डबल सिटीजनशिप मिलने के ऐसा कानून और हमारे लिए कोई कानून नहीं। तो साथियों ये सब जो खेल चल रहा है ये खेल जो है आप लोगों को मेन इशू जो है आपका मेन इशू जो है वो डाइवर्ट करके ये जो दूसरे इशू है उनके ऊपर ला करके आप लोगों को ये लड़ाना और हिंदू और मुसलमान में दंगा फसाद करवाना ये उनका मेन इंटेंशन है। तो आप लोगों को ये मालूम मुझे आप ये देश के मूल निवासी हैं, आपका डीएनए शेड्यूल कास्ट के लोगों का डीएनए ओबीसी का डीएनए ये मैनेज करता है। ये इनका डीएनए जो है वो यूरोप के लोग है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया May 2001 का रिपोर्ट है उटा यूनिवर्सिटी का, ये आप लोगों ने आपको सबको बताना होगा। इतनी छोटी सी बात करके मैं आप लोगों को आप गर्व से कहो कि हम मूल निवासी हैं, गर्व से कहो कि हम मूल निवासी हैं, हम मूल निवासी हैं। हाँ तो आप लोग अभी जब अस्सलाम वालेकुम करेंगे सलाम करेंगे तो उसके साथ में ये भी कहिए जय मूल निवासी। धन्यवाद।